हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है फूड चैलेंज, और इस फूड चैलेंज में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस, इस फूड चैलेंज में होने वाला है ए टू जेड फूड चैलेंज, जो कि मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं ए टू जेड अल्फाबेट के हिसाब से खाने की चीज़ें सेलेक्ट करूंगी और खाऊंगी। और मैंने कोई भी पहले से प्रिपरेशन नहीं की है, जो भी चीज़ें हैं मैं आज ही अरेंज करूंगी और आज ही लूंगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। जो घर में होगा, जो अवेलेबल होगा, वो तब तक मैं घर में खाऊंगी, और जब मुझे नहीं मिलेगी घर में कोई चीज़ें तो मैं बाहर जाऊंगी और आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। और हाँ गाइस, अभी हो रहे हैं 10 o'clock, अराउंड 10 AM हो चुके हैं, यानी 10:10 हो चुके हैं, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि मुझे तो हाँ गाइस, मुझे करना था फूड चैलेंज, इसलिए मैं सुबह से, अब आप मेरे फेस पे स्वेटिंग भी देख रहे होंगे क्योंकि मैं किचन में थी। और गाइस, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लिटरली मैंने कुछ भी ज़रा सा भी नहीं खाया, बस मैंने ल्यूकॉम वाटर लिया है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी ए से, तो मैं ए से लेने वाली हूँ आलमंड, जो कि मैंने रात को सोख करके रख दिए थे, और अभी मैंने इसका छिलका निकाल दिया है और अब मैं इसे ही लूँगी। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, तो गाइस ये मैं, मेरा मन कर रहा था थोड़ा पढ़ाई करने का, तो मैं ये थोड़ा पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे पढ़ने का मन कर रहा था जो का। तो गाइस, मैंने सोचा कि ए टू जेड मैं लिख कर रख लूँ इस तरह से, ताकि मुझे जो मैं खाती जाऊँ उस पर मैं टिक करती जाऊँ, वरना कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ। बी, तो बी से हम क्या खाएंगे आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं बी से क्या खाने वाली हूँ, बी से खाने वाली हूँ सब्जा सीड्स। ये है सब्जा सीड्स, इसको सब्जा सीड्स बोलते हैं और बेसल सीड्स भी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट करके आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी, आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब्जा लिखा हुआ है और ये लिखा है बेसल सीड्स, तो मैं बी से बेसल सीड्स ले रही हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं लूँगी, मैं इसको सोक करके लूँगी, तो मैंने सोक किया था 1 घंटे पहले, तो ये मेरा सोक किया हुआ बेसल सीड्स रेडी है। तो बस गाइस, बी से मेरा हो गया है टास्क कंप्लीट और हम करेंगे टिक। तो मेरा हो गया है ए एंड बी, तो मैं बी पर भी कर दूंगी टिक। बस गाइस, अब मैं देखती हूँ सी से मेरे पास क्या है। तो सी से मेरे पास है कुछ स्पेशल, क्या है इसे मेरे पास, ये, जी हाँ, ये है कैश्यू। आराम से खाएंगे, वो जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे, बट हाँ, मुझे 24 आवर में कंप्लीट भी करना है अपने टास्क को, तो उस हिसाब से खाएंगे। सी से हो गया है मेरा टास्क कंप्लीट, तो हम करेंगे सी पे भी मार्क। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बैठे बैठे यहाँ पे, मैं जाके लेके आ रही हूँ गाइस, मैं कुछ चीज़ें ला के रख ली थी, ए सॉरी बी सी डी मैं ला के रख ली थी। तो अब देखते हैं, ये मेरा हो गया सी से टास्क कंप्लीट, ए बी सी तीन चीज़ हो गए कंप्लीट, अब मैं करूँगी डी से कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नहाना वाना भी है, नहाने के बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें करूँगी और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं डी से लेने वाली हूँ, कैन यू गेस, आप गेस कर सकते हो। तो ये भी बहुत पसंद है मुझे, तो बहुत दिनों के बाद चलो मौका मिला, मतलब सुबह ये टास्क ऐसा है ना कि इसमें एक तो हो सकता है रात तक पेट की बैंड बच जाए, या ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हेल्दी चीज़ें लूँ, मतलब मुझे मिल जाए तो मैं हेल्दी हेल्दी चीज़ें लूँ तो मेरे पेट की बैंड ना बजे। तो मैं डी से ले रही हूँ डेट, ये देखिए। यम्मी लगता है डेट, चलो कुछ ज़्यादा ही स्वीट भी होता है, मैं स्वीट लवर हूँ, मुझे स्वीट बहुत पसंद है। अब आ रही है ई और एफ, इसके बाद देखते हैं ई पर मैं क्या खाती हूँ, मुझे नहीं पता, देखते हैं कि ई से मुझे क्या मिलता है, तो मैं देखूँगी नहाने के बाद ऑब्वियसली। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं और देखते हैं मैं ई से क्या खाती हूँ। क्लियर है क्या?
तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और आपने देखा कि गाइस ये अब टाइम हो गया है 2 PM जी हाँ गाइस, और मेरा ऐसा अभी तक फीलिंग आ रही है कि सुबह से मेरा उपवास ही चल रहा है क्योंकि मुझे घर में कुछ मिला नहीं था खाने को, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, आधी चीज़ें थी ऊपर की और आधी चीज़ें थी नीचे की, मतलब कि स्टार्टिंग की और लास्ट की। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग जाते हैं मार्केट से लेकर आते हैं, और घर का सामान भी लेना था, तो हम लोग तो शॉपिंग करके लौटने में हो गए, 1 बज गए थे, हो गया था लंच का टाइम, तो हम लोग की लंच की प्रिपरेशन करनी थी, तो लंच की प्रिपरेशन तो आपने देखी ली। लंच की प्रिपरेशन करने के बाद अब मुझे टाइम मिला कि मुझे अपनी बेटी को नहलाना भी है, नहला नहीं पाई थी मैं, तो फिलहाल मैं अपना टास्क जो है कम्प्लीट करती हूँ। और मेरे पास है ये इक्लेयर, ये है ई से इक्लेयर, तो मैं अभी इसे खाऊंगी और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मेरे पेट एकदम खाली है गाइस, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, जो सुबह खाया था आपने देखा बस वही खाया है। अभी तक की फीलिंग तो यार ये कि ऐसा लग रहा है कि फास्ट हूँ, बट आगे देखते पेट सही रहता है या खराब होता है। अभी फिलहाल मैं इक्लेयर खा रही हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ एफ, तो देखते हैं मेरे पास एफ से मैं क्या लेकर आई हूँ। जो मेरे पास है वो है ये फनी एफ, तो मुझे फिलहाल ऐप से फ्रूटी नहीं मिल रहा था, मैंने कई सारे शॉप पे पूछा पर सबके पास माजा था, फ्रूटी नहीं था, तो मैंने बस और कोई ऑप्शन नहीं था ऐप से। और इस समय साबुन चल रहा था, मैं फिश भी नहीं खा सकती, वरना डेफिनेटली मैं फिश खाती, आई लाइक फिश वेरी मच। सो गाइस मैं लेने वाली हूँ ये ऐप से फनी 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 करके एक स्नैक्स है, जो कि चलो कुछ नमक वाली चीज़ें मेरे पेट में जाएगी तो खाते हैं। जाते मतलब कुछ भी कुछ अब मैं पीऊँगी ढेर सारा पानी और जा रही हूँ अपनी बेटी को नहलाऊँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। तो बताइए ऐप वाला टास्क हो गया कंप्लीट, गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अब मुझे खाना है, मैंने एफ तक खा लिया, मुझे जी से खाना है, तो जी से मेरे पास क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मेरे पास जी से 2 चीज़ें हैं ऑप्शन में, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो जी से मेरे पास 2 चीज़ें हैं। तो गाइस जी से मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक है ये ग्लूकॉन डी, या तो मैं ये ग्लूकॉन डी पी लूँ, और या फिर ये मेरे पास है जैगरी पाउडर। जी हाँ ये जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर जो हम चाय में यूज़ करते हैं, तो मैं इसे भी खा सकती हूँ, पर फिलहाल मेरा अभी ऐसा कुछ मीठा खाने का मन नहीं है, तो मैं लूँगी ग्लूकॉन डी। तो चलिए बनाते हैं ग्लूकॉन डी। और मैं अपना ग्लूकॉन डी इंजॉय करती हूँ, फिनिश। सो गाइस अब जो है मैंने ग्लूकॉन डी ली है और मेरा पेट मतलब ठीक है, लिटरली थोड़ा भर गया है, बट अगर मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करूँगी तो शायद मैं 12 बजे तक मैं कंप्लीट कर भी ना पाऊँ, इसलिए हाँ मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ, फूड चैलेंज। बेटा आप क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, लाइट जला दूँ, जला लो, क्या खेलने जा रही हो टॉय से, अरे खड़े हो जाओ, देखो कौन बुला रहा है आपको, कोई बुला रहा है लल्ला। गाइस एच से मैं लेने वाली हूँ हाजमोला, जी हाँ अब खाएंगे हाजमोला, खाया पिया कुछ नहीं, अब पचाने जा रही हूँ, तो एच से मैं लेने जा रही हूँ हाजमोला, जो कि इमली फ्लेवर में है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लूँगी 2 हाजमोले। एच हो गया यहाँ पर कंप्लीट, तो अब हम चलेंगे आई, तो हम आई से क्या खाएंगे, आई से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आइसक्रीम, बट आइसक्रीम नहीं खानी मुझे, उससे वेट। और आई से मैं मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा, तो मैं जो मैं खाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं जो खाऊंगी आई से तो वो है ये है इस सब गोल की, ये डाबर का आता है नेचर केयर का, इस सर गोल जो जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम इसे खाते हैं, बट मुझे
तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मैं कॉन्स्टिपेशन वाला खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इलायची नहीं खानी, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग खाना है। तो मुझे स्मॉल साइज का स्पून लेंगे और थोड़ा सा मैं लूँगी पानी, विद अ गुड वाटर। इसके बिना ये अंदर नहीं जाने वाला है मेरे पेट में। यस गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल मुँह में जाके चिपक सा जाता है। तो मैं बहुत बहुत ही स्वीट होता है, ये मीठा होता है, तो आप इसमें तो खा सकते हो, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में हमेशा होता है, जिससे हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको। तो गाइज देखिए, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, ये देखिए तो 4 o'clock हो चुकी है। और मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे अल्फ़ाबेट जो कंप्लीट हुए वो हुए हैं सिर्फ आई, यानी कि 19 लेटर कंप्लीट करने हैं। ओह माय गॉड, इसलिए मुझे अब जल्दी जल्दी इस टास्क ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मैं 12 बजे से पहले अपने टास्क ख़त्म ही ना कर पाऊँ। तो अब देखते हैं कि मैं जे से क्या खाती हूँ, जे से मेरे पास क्या है, चलिए देखते हैं। गाइज मुझे जैसे क्या मिला, जलेबी। जी हाँ गाइज, अभी कल मेरे यहाँ आई थी जलेबी, कल या परसों आई थी, तो ये परसों से फ्रिज में रखी हुई है। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए जलेबी, क्योंकि जलेबी मुझे पसंद भी है। और जैसे मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, मुझे टास्क जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो जैसे मैं खाऊँगी जलेबी। फिनिश गाइज, मेरा जे लेटर हो गया है कंप्लीट, तो जे से हो गया है कंप्लीट। अब हम खाएंगे आई जे के। ओ माय गॉड, ये से बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, किट कैट और क्या है, कैसे किट कैट हो गया, और कैसे भी कुछ और ऑप्शन है, मैं अभी देखती हूँ, सोचती हूँ जब खाऊंगी तो बताऊँगी। अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं खाना है, तो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मेरा पेट हो गया बिल्कुल फुल। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद जब मैं खाऊंगी केसे। ओके गाइस, तो गाइस मेरे पास केसे क्या चीज़ है मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पास केसे है ये किट कैट, तो अब मैं खाऊंगी किट कैट केसे किट कैट। चलिए खाते हैं, अब हम लोग केसे क्या खाएंगे, किट कैट। तो चलो खोलते हैं और खाते हैं किट कैट, है ना। क्या खाएंगे केसे, किसको पसंद है, हम दोनों लोग को पसंद है, दोनों लोग को आएंगे। हाँ मैं एक खाऊंगी, आप दो खा लेना। कैसे हो गया कंप्लीट, है ना। ओके अच्छा खा लो। खाएंगे अब हमारा जो है टास्क है वो है एल से, तो एल से हम लोग क्या खाएंगे, अपना दिल, लिटिल हार्ट। अपना दिल नहीं खाएंगे, लिटिल हार्ट खाएंगे। क्या खाएंगे, अपना दिल, लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट। चलो तो लिटिल हार्ट खाते हैं। गाइस एम से खाने वाले हैं हम मैंगो, चलिए अब हम लोग खाएंगे मैंगो। तो मेरा M और N हो चुका है और मुझे N से कुछ भी नहीं मिल रहा है। नाचोस क्या होता है,
तो लाना पड़ेगा ना। हाँ नाचोस तो मुझे याद था पर मैं ली नहीं, भूल गई। अब एन से क्या खाएंगे? नमक ही खाएंगे और क्या, एन से नमक खाना पड़ेगा। ओ से ओरियो था, और ओ से क्या था, एक चीज़ और था, ओ से एक और था, ओट्स। ओट्स और ओरियो दो चीज़ था, लेकिन ओट्स को बनाना पड़ेगा, बना के पेट भरने वाला नहीं खाना है मुझे। मैं खाऊंगी ओ से ओरियो और एन से खाऊंगी नमक। तो एन से हमें क्या मिलेगा, तो हम देखने जा रहे हैं एन। तो एन से मेरे पास, देखिए मेरे पास के से एक और चीज़, वैसे तो ये पी से भी है, पाव भाजी इसका फर्स्ट नेम है, पाव भाजी, पहले लिखा है पाव भाजी खाकरा, तो मैं इसे पी से खा सकती हूँ। चलो देखते हैं कि पी से कुछ और मिलेगा तो खा लेंगे। और एन से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास ये नेशनल की स्माइली वाइट चकली है, तो वैसे ही इसका फर्स्ट नेम मतलब नेशनली मेंशन हो रहा, तो मैं इसे इंटेक्ट कर सकती हूँ। और कुछ मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ नमक ही है इसके अलावा, तो मैं यही लूँगी नेशनल की चकली। तो मैं लूँगी नेशनल की चकली, तो मैं इसे ही टच करूँगी। आई थिंक ये खुली हुई भी रखी होगी मेरे पास, तो मैं देखती हूँ। वैसे मैं एन से नमकीन भी ले सकती हूँ, यस, तो मैं फाइनली नमकीन ही लेने जा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी ही नमकीन लेनी है, दैट्स इट। ये लहसुन की नमकीन है, तो मैं लहसुन इसमें से निकाल कर अलग कर देती हूँ और मैं ये नमकीन ले लूँगी। तो गाइस फाइनली एन से मेरा हो गया है कंप्लीट, डन हो गया है। अब मुझे खाना है एन हो गया, एम एन हो गया, अब मुझे खाना है ओ। तो ओ से मैं खाऊंगी ओरियो। ओके, मेरे पास ऐसे दो ऑप्शन है, ओ से ओरियो है और ओ से मेरे पास और क्या है, हाँ ओट्स, ओट्स है और ओरियो है। दिखाते यम्मी, यूजली मैं नहीं खाती हूँ डेली ये सारी चीज़ें, आज मुझे टास्क करना था इसलिए मैं खा रही हूँ। मेरा पेट अब लग रहा है बहुत ज़्यादा भरता जा रहा है, क्योंकि मैंने लगभग दो मैंगो तो खा ही लिए थे, मेरा पेट एकदम फुल हो गया है। अब आगे उसे हो गया है गाइस कंप्लीट ओरियो, तो ओपेरेंट हो गया। अब हम पी की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं पी से हमारे पास क्या है। तो हमारे पास पी से आई थिंक यहाँ पे कुछ है, यस गाइस पी से है हमारे पास पिस्ता। पी हो गया मेरा कंप्लीट, मैंने डन कर लिया अभी तक। अब हम आएंगे क्यू पर, तो मैं क्यू से बताती हूँ कि मैं क्या लेने वाली हूँ। तो गाइस मैं क्यू से खाने वाली हूँ कुल्फी। जी हाँ गाइस, इसका नाम के से है बट मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, क्यू से भी कुल्फी होता है जो कि गूगल बाबा ने बताया है, तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्यू से मुझे और कुछ नहीं मिला था इसलिए मैंने कुल्फी ली, और क्योंकि गूगल ने भी क्लियर कर दिया है कि क्यू से भी कुल्फी होती है, तो मैं वो मेंशन कर दूँगी। तो मेरा क्यू होने वाला है कंप्लीट। अब मैं खाऊंगी आर से। आर से मेरे पास बहुत इजी ऑप्शन है, सबके घर में अवेलेबल होता है, तो मेरे पास आर से एक ऑप्शन है और कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रहा है, पर आर से मेरे पास है रस्क। यस गाइस, तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन है, तो मैं आर से लेने वाली हूँ रस्क। छोटा सा रस्क लूँगी और खाऊंगी। आर से भी मेरा टास्क हो गया कंप्लीट। और एस से अब आता है, एस की बारी आती है। तो एस से मेरे पास बहुत ही डिलीशियस चीज़ें, मुझे बहुत पसंद है। एस से हम लोग खाएंगे, मतलब ऑब्वियसली मैं खाऊंगी, बाबू तो नहीं खाती है, तो एस से हम खाएंगे कुछ स्पेशल जो कि है इसमें, जो कि आया बाहर से पैक होकर। अच्छा आप भी खाना, तो है हमारे पास क्या है, यस बॉम्बे की फेमस सेव पूरी। चलो हम लोग खाएंगे सेव पूरी। ये
मेरी लास्ट सेव पूरी है। yes. So yummy. तो मेरा एस हो गया कंप्लीट, तो एस मेरा हो गया कंप्लीट और मेरा स्टमक हो गया ऑलरेडी फुल बहुत ज़्यादा। तो तो एस के बाद क्या आएगा बाबू? टी आएगा। ओके शी इज़ राइट। तो एस के बाद आएगा टी, तो हम लोग खाएंगे, मतलब मैं खाऊंगी ऑब्वियसली टी से। तो टी से क्या, टी से लेना है टी, टी फॉर टी। तो अब मैं पीऊँगी चाय, मतलब आई लव सो मच, मैं सुबह से वेट कर रही थी कब टी का टाइम आएगा, तो लिटरली अब मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। वैसे तो सेव पूरी बहुत टेस्टी था, इससे मेरा मन और पेट मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो फिलहाल अब मैं पीने वाली हूँ टी। फाइनली रात में मुझे मिली है चाय 9 बजे 9 o'clock पर, और मुझे किचन में काम है थोड़ा, सबको खाना देना है, तो मैं बैठकर चाय नहीं पी सकती, तो मैं किचन में ही चाय एंजॉय करती हूँ। और तो टी मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है गाइस, तो मेरा काम हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और अब मैं अपने टास्क की तरफ बढ़ती हूँ। टास्क में मेरा लेटर जो बचा हुआ है वो है, यू से मैंने खा लिया था क्या, नहीं सॉरी यू से नहीं, टी मैंने लास्ट टाइम फिनिश किया है, तो अब मैं लेने जा रही हूँ यू। तो यू से मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं गई थी अंकल चिप्स, मैंने पूछा अंकल से, बट उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था और मैं बाहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकी, तो इसलिए अब मुझे लिटरली मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और वी से मेरे पास बहुत हैवी ऑप्शन है जो कि मैंने मंगवा लिया है, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल यू से प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने लिए एक छोटा सा बनाऊँगी, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है उत्पम और एक है उपमा, तो मैं फिलहाल उत्पम बनाऊँगी, बहुत जल्दी से फटाक से बन जाएगा। मैंने बैटर रेडी कर लिया है, तो थोड़ा सा ही बैटर मैंने बनाया है, ये है। अब हम लोग यू से क्या खाने वाले हैं? आधे चैलेंज में मैं मोनिष्का भी मेरे साथ है, तो यू से हम लोग खाने वाले हैं उत्पम। मेरा उत्पम हो गया है रेडी, मैं लेकर आई हूँ, एक मिनट बेटू। तो ये है मेरा उत्पम, और विथ मैंने लिया है चिली सॉस, तो ये दोनों है मेरा, बहुत गर्म है बेटू, गर्म है। तो अब हम खाएंगे और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। बाबू खा के बताओ कैसा टेस्ट है, पेट बहुत भरा हुआ है बट फिर भी थोड़ा सा खाएंगे, खा के बताओ। मैं भी खाती हूँ, तो यू से ये मेरा टास्क होता है कम्प्लीट। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 10:30, तो रात के 10:30 बज गए हैं, और मुझे खाना पड़ रहा है अभी से बड़ा पाव। सो ये मैं बनाई हूँ बड़ा पाव, जो कि हमने मंगा के रखा था, और मेरी बेटी ने मेरे लिए वेफर का इंतज़ाम किया है। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं खाने जा रही हूँ वी से बड़ा पाव, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खाऊंगी बड़ा पाव। तो मेरा यहाँ पे वी वाला टास्क जो होगा अल्फाबेट वाला वो हो जाएगा कंप्लीट। इतनी रात में मैं नहीं खाती हूँ बाबू, बट आज खाना पड़ रहा है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। चलो खाते हैं। फिनिश, बी से बड़ा पाव हो गया फिनिश। अब मेरा बचा है डब्लू एक्स वाई एंड जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, यानी 4 लेटर अभी मुझे बचे हुए हैं। बी से बड़ा पाव हो गया है, और मैं डब्लू से खाने वाली हूँ वेफर, यूजुअली सब लोग से वेफर ही बोलते हैं, वो किसी भी ब्रांड का हो, तो डब्लू से मैं खाऊंगी वेफर। तो क्या खाएंगे हम लोग डब्लू से? वेफर्स। डब्लू हो गया कंप्लीट, अब क्या बचा है? सो गाइज आई एम बैक, तो मैं आगे चलती हूँ अपने अल्फाबेट की तरफ, और मैं जा रही हूँ अपने एक्स को कंप्लीट, एक्स के बाद करेंगे वाई, देन लास्ट के करेंगे जेड, और टाइम हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम हो गया है लगभग 11:20 हो गए हैं, और मेरे पास अब ओनली मतलब मैं सोच मेरा वैसे तो मेरे टास्क जो है वो सुबह तक का है, क्योंकि
24 आवर्स, ये चैलेंज 24 आवर्स इसमें टाइम मिलते हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, पर मैं रात भर वेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं टास्क को अभी 12 बजे तक ही मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं ये गाइस मैं जीत जाऊँगी इस टास्क में। बस मैं यही चाहती थी, मैं बिल्कुल हारना नहीं चाहती थी इस टास्क में। बट हाँ, पेट की काफ़ी हालत बुरी हो गई है खाते खाते। मैं रात में खाती नहीं हूँ, मतलब इतने लेट में नहीं खाती हूँ। मैं खाने वाली हूँ जिकुआ। जिकुआ जी हाँ गाइस, जिकुआ है ये, तो ये है वाटरमेलन, जिसको जिकुआ भी बोलते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी। तो अब हम खाएँगे जिकुआ, तो बस थोड़ा सा ही लूँगी बस अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जो कि एग से कंप्लीट करता है, ये बहुत ही चिल्ड है। तो गाइस मैंने इसको अभी भी फ्रिज से निकाला है, तो बहुत ही चिल्ड है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाने में, ठंडा ठंडा पेट में लगेगा। सो यम्मी। और ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, अगर आपको पता होगा तो। वाई से है योगर्ट। वाई से खाएंगे हम लोग योगर्ट। मुझे लास्ट वाला अल्फाबेट पूरा करना है, जो कि है जेड। मुझे जेड से खाना है, जेड से मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मुझे मिला है जेड से, जो है वो है जुकीनी। जी हाँ, ये मेरा टास्क का लास्ट आइटम है खाने का, फूड, जो कि बहुत ही गंदा होने वाला है लास्ट आइटम। सो बट कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये जुकीनी खाऊंगी, जिसको हिंदी में तोरी बोलते हैं, तोरी। करेंगे कट। तो मैंने इतना सा ही लिया है गाइस अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो देखते हैं। नॉट बैड। सो गाइज, ये टास्क होता है मेरा यहाँ कंप्लीट। तो आई होप आपने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ज़रा से भी मेरी मेहनत दिखती है और आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनिंग लगता है मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप थोड़ा भी इंजॉयफुल लगा हो और आपको मेरी मेहनत दिखी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर।